अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़ेगा जो भक्त है महाकाल का। जी हाँ, जहाँ आने से कभी नहीं होती है अकाल मृत्यु, और जिनके दर्शन मात्र से हो जाती है मोक्ष की प्राप्ति। नमस्ते, मैं हूँ साक्षी और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल साक्षी सुपर आइडियाज़ में। आज के इस वीडियो में ना केवल आप मेरे साथ महाकाल के दर्शन करेंगे, बल्कि मैं आपको बताऊंगी बाबा महाकाल से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। महाकालेश्वर मंदिर। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। उज्जैन मंदिरों की नगरी है और यहाँ कई तीर्थ स्थल हैं, और इस उज्जैन को महाकाल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। फिलहाल थोड़ा सा दर्शन मिला हमें महाकाल का चलते चलते, लेकिन आगे चलकर हम अच्छे से दर्शन करेंगे और इनके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ कई सारे सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन होते हैं, जैसे सावन महोत्सव, शिवरात्रि उत्सव, जन्माष्टमी उत्सव, उमा महेश्वर व्रत, नाग पंचमी उत्सव। संपूर्ण वर्ष में 80 लाख से 1 करोड़ भक्त यहाँ दर्शन करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन मंदिर के पास एक विशाल मेला लगता है और रात में पूजा होती है। तो अब कर लेते हैं बाबा महाकाल के दर्शन। तो ये सामने जो आप शिवलिंग देख रहे हैं, ये 6 फीट के घेरे वाला काले रंग का खूबसूरत शिवलिंग है। चांदी का भव्य त्रिशूल और डमरू भी यहाँ पर स्थापित है। यहाँ सैकड़ों पुजारी भक्त भिन्न भिन्न पूजाएं करते हैं। ओम नमः शिवाय लिखित पीले रंग के दुपट्टे एवं पीले रंग की धोती पहने मंत्र का पाठ गुंजायमान अति सुंदर मनमोहक लगता है। इस मंदिर के अंदर और बाहर दर्जनों टीवी स्क्रीन लगे हुए हैं, जिसमें पूजा का दृश्य सभी भक्त देख सकते हैं। महाकाल को चिता भस्म लगाया जाता है। शास्त्र में चिता भस्म अशुद्ध माना गया है। चिता भस्म को छूने पर नहाना पड़ता है, परंतु महाकाल शिव के स्पर्श से ये भस्म पवित्र हो जाती है। ये है मंदिर प्रांगण और यहाँ कई सारे मंदिर हैं। यूं तो मैं सारे मंदिर कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कुछ मंदिर छूट भी सकते हैं। और यहाँ इस प्रांगण में 30 से 40 मंदिर हैं। बाबा महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग दुनिया में एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है, और इसीलिए इस जगह को दक्षिणामूर्ति भी कहा जाता है। उज्जैन तो मंदिरों की नगरी है और महाकाल का यह मंदिर अपनी भव्यता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और यहाँ जो ढेर सारे मंदिर इसके प्रांगण में हैं, ये सारे भी अपने आप में कुछ ना कुछ विशेषता रखते हैं। तो मंदिर में ट्रेडिशन है ये तिलक लगाने का। जब भस्म आरती होती है तो इस मंदिर में लोग ये तिलक लगवाते हैं। बहुत से लोग इसे ऐसे ही लगवाते हैं और मैंने भी यही किया।
महाकाल का यह मंदिर आसमान छूता है और महाकालेश्वर मंदिर की सुंदरता, विशालता और महिमा का वर्णन महाकवि बाणभट्ट और कालिदास ने भी किया है। आपको भी मेरे साथ साथ बाबा महाकाल का दर्शन अच्छे से मिल गया होगा और साथ में इस प्रांगण के अन्य मंदिर और अन्य भगवान के दर्शन भी अच्छे से हो गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेकर चलूंगी काल भैरव मंदिर, जहां बाबा काल भैरव मदिरा पीते हैं और उन्हें प्रसाद के रूप में मदिरा चढ़ाई जाती है और कहते हैं कि अगर महाकाल के दर्शन के बाद आपने बाबा काल भैरव का दर्शन नहीं किया तो महाकाल के दर्शन का पुण्य भी आपको नहीं मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।